हाय डियर गाइस, माय सेल्फ संगपाल नरवाड़े। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल क्या है ये देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का जो लाइफ है दैट स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है और वो जो सिंगल सेल है उसे हम जायगोट कहते हैं। फिर उस जायगोट का डिवीजन और रीडिवीजन होने के बाद बहुत बार रीडिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो तैयार होता है और आगे जाके फिर फीटस तैयार होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी ऑलरेडी हैव सीन। और फिर वो फीटस जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और आखिर में हम देखते हैं कि आज हम जितने बड़े हैं उतनी बड़ी हमारी बॉडी बन चुकी है। एक्चुअली ये जितनी भी बड़ी बॉडी हमारी आज हमें दिख रही है, ओके, जिसमें कि 100 trillions ऑफ सेल्स है आज ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, तो ये बॉडी स्टार्ट हुई है सिर्फ सिंगल सेल्ड जायगोट से। तो फिर ऐसा क्या होता है कि वो जो सिंगल सेल्ड जायगोट है उस सिंगल सेल्ड जायगोट से 100 trillions ऑफ सेल्स की ये बॉडी बनती है? कौन सी प्रोसेस है, कौन सी मैकेनिज्म है, कौन सी प्रोसीजर है वहाँ पर? तो उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को हम सेल डिविजन कहते हैं। सेल डिवाइड होती है और सेल डिवाइड होने के बाद, मतलब बहुत बार डिवाइड होती है और फिर ये इतनी बड़ी बॉडी तैयार होती है। तो अगर ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा ही नहीं, सेल डिवीजन की मैकेनिज्म में अगर डिस्टर्बेंसेस पाए जाएंगे तो ग्रोथ बराबर नहीं होगी, ऐसा है। मतलब अगर सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत स्लो हो जाएगा, तो फिर ग्रोथ स्टंटेड हो जाएंगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। और सेल डिवीजन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, मतलब जो नॉर्मली होना चाहिए उससे सेल का डिवाइड होने का जो रेट है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में सेल तैयार हो जाएंगे एंड दैट ऑल्सो कैन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। उससे हमारे बॉडी में ट्यूमर्स तैयार हो जाएंगे, जो अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो जिसे हम कैंसर भी कहते हैं, ओके। सो सेल डिवीजन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो नॉर्मल मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल डिवीजन का रेट कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, सेल डिवीजन का रेट ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ओके। सो सिलेबस के ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यूअर वुंड हील? तो हमें जो ज़ख्म होती है वो ज़ख्म कैसे भर जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब भी उतना ही इजी है कि जो ज़ख्म हमें होती है तब क्या होता है, तो वो पार्ट के जो सेल्स है या फिर टिश्यूज़ है या वो टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में हम फिर से देख सकते हैं कि वहाँ पर फिर से वो जो पार्ट है वो पार्ट भर जाता है, जिसे हम वुंड हीलिंग कहते हैं, तो ज़ख्म भरना जिसे हम कहते हैं। तो ज़ख्म भरती कैसे है? तो आंसर है रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय द लिविंग टिश्यू। मतलब जो टिश्यूज़ डिस्ट्रॉयड हुए हैं उनकी रिप्लेसमेंट न्यू लिविंग टिश्यूज़ से हो जाती है और ज़ख्म भर जाती है। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग मटेरियल? तो नॉन लिविंग और लिविंग मटेरियल के बीच में का डिफरेंस क्या है? सबको पता है इसका आंसर कि लिविंग मटेरियल जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं और नॉन लिविंग मटेरियल जो है वो सेल का बने हुआ नहीं होता। सो दिस इज़ वेरी सिंपल वन। अगली स्लाइड में हम देख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बोला है, लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल कॉल्ड एज जायगोट। जायगोट से ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी तो सभी नहीं बोल सकते, लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनका जो लाइफ है वो जायगोट से चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं आज के हमारी स्थिति तक कि इतनी बड़ी हमारी बॉडी तैयार हुई है। तो इतनी बड़ी बॉडी तैयार होने के लिए सेल डिवीजन मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। उसके अगली जो स्लाइड है उस स्लाइड में हम देख सकते हैं, मैंने दिखाया है वहाँ पर एक पैरेंट सेल दिखाई है, आप ऊपर देख सकते हैं, और वो पैरेंट सेल से आगे जाके दो डॉटर सेल्स तैयार हुए हैं, है ना। तो पैरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स कैसे तैयार होते हैं ये तो हमें पता है, जो कि सेल डिवीजन प्रक्रिया में होता है। तो पैरेंट सेल
पहले ये इंटरफेज में चली जाती है। इंटरफेज में क्या क्या होता है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। इंटरफेज के बाद में फिर वही सेल पेरेंट सेल एम फेज में चली जाती है, और एम फेज में वो सेल डिवाइड होती है, जहाँ पर कि अंत में दो डॉटर सेल्स यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और फिर आगे जाकर वो जो दो डॉटर सेल्स तैयार हुए हैं उसमें से हर एक डॉटर सेल खुद पेरेंट सेल बोल के काम करती है, और वो फिर से इंटरफेज में चले जाती है, एम फेज में चले जाती है, और उससे फिर और दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया सेल डिवीजन की प्रक्रिया है, जो कि हमें सेल साइकिल में देखने को मिलती है। उसके आगे यही मैंने अभी बताया है कि पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म द डॉटर सेल्स नेक्स्ट, और देन ईच डॉटर सेल बिकम पेरेंट सेल एंड इट डिवाइड्स टू फॉर्म मो टू मोर डॉटर सेल्स। ओके, यहाँ पर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं, अभी हमने पिछली फिगर में देखा। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, और सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन इज द प्रोसेस विच ब्रिंग्स मल्टी सेलुलरिटी इन एनिमल्स। तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनका लाइफ एक सिंगल सेल से तैयार हो जाता शुरू हो जाता है, तो ये मल्टी सेलुलरिटी हमें कैसे देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है? ओनली ड्यू टू द सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं सेल साइकिल की डेफिनेशन के बारे में। सेल साइकिल क्या है? तो सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ ए सेल कॉल्ड एज सेल साइकिल। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेल साइकिल। इसका मतलब ये है कि जब सेल तैयार हो जाती है, ओके, फॉर्म हो जाती है, जिसे हम सेल का बर्थ होना भी कह सकते हैं हमारे लैंग्वेज में, ओके, व्हेन द सेल इज़ फॉर्म्ड, तो वो सेल तैयार होने के बाद वो खुद पेरेंट सेल बोल के काम करती है, और उसके बाद में फाइनली उससे दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। तो पेरेंट सेल बोल के जब से वो काम कर रही है, वहाँ से लेके उससे जो दो डॉटर सेल्स तैयार हो रहे हैं वहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। उसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट सेल साइकिल में आते हैं। ओके, सो सेल साइकिल बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड हुई है, हम फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट फेज इज़ कॉल्ड एज इंटरफेज एंड सेकेंड फेज इज़ कॉल्ड एज एम फेज। दिस एम फेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेज ऑफ माइटोसिस, है ना। एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मायोसिस। सो दिस इज़ द माइटोटिक और मायोटिक फेज, और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेज ऑफ डिविजन। ओके, सो सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के बारे में हम देख सकते हैं, इंटरफेज और तीन सब फेजेस में डिवाइड हुई है। पहली जो फेज़ है उसे हम G1 फेज कहते हैं, दूसरी फेज़ है S फेज कहते हैं, और तीसरी फेज़ को हम G2 फेज कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दो फेजेस दिखाई दिए हैं सेल साइकिल के, उसमें जो पहली फेज़ है इंटरफेज, उसमें क्या होता है और एम फेज़ में क्या होता है। तो इंटरफेज़ में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होने से पहले खुद ग्रो हो जाती है साइज़ में, सेल्स ग्रोज इन साइज। ओके, उस तो ग्रो होते समय क्या क्या हो रहा है उसमें, हाउ इट इज़ ग्रोइंग, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, वो खुद प्रोटीन्स बना रही है, वो सेल आरएनए बना रही है ना, और इट डुप्लीकेट्स द डीएनए विद इन द सेल। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, वो डीएनए डबल हो जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। और जो दूसरी फेज़ हम देखने वाले हैं आगे जाके, जिसे हम एम फेज़ कहते हैं, तो एम फेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। अब ये फिगर आप देख सकते हैं, सेल साइकिल की ये फिगर है। अब जैसा कि मैंने अभी कहा, सेल साइकिल के दो मेन फेजेस है, इंटरफेज और एम फेज, जिसे हम माइटोटिक या फिर मायोटिक फेज कहते हैं। इंटरफेज में तीन सब फेजेस यहाँ पर दिखाई है फिगर में। पहली फेज़ वहाँ पर देख सकते हैं G1 फेज, दूसरी फेज़ S फेज़, तीसरी फेज़ G2 फेज़। और इंटरफेज के ये जो तीनों फेज़ है, आखिरी की जो G2 फेज़ है, G2 फेज़ ख़त्म होने के बाद वहाँ पर माइटोसिस दिखाया है, जो कि एम फेज़ में एम फेज़ है। और एम फेज़ ख़त्म होने के बाद वहाँ पर दो डॉटर सेल्स तैयार हुए हैं, ये हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो G1 फेज़ जो है, इंटरफेज की जो फर्स्ट फेज़ है, G1 फेज़ में क्या हो रहा है हम यहाँ पर देख सकते हैं। G1 फेज़ में फिगर में दिखाया है सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल नॉर्मली फंक्शन पार पड़ रही है, उसके बाद में सेल के जो ऑर्गेनल्स है वो ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है। और ये जो G1 फेज़ है, ये G1 फेज़
8 घंटों से लेकर 10 या 11 घंटों तक रहती है। उसके बाद जो एस फेज है जीवन के बाद की, जिसे हम सिंथेटिक फेज ऑफ सिंथेसिस कहते हैं, वो 6 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक रहती है। और इस फेज में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हो रहा है वो है डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। ओके, उसके बाद में जो आगे वाली फेज दी है उसे हम G2 फेज कहते हैं। ये 2 घंटों से लेकर 5 घंटों तक चलती है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हुए वाला है, यहाँ पर दिखाया है। और आगे जाकर जो फेज़ दिखाई है माइटोटिक फेज़, उसमें माइटोसिस दिखाया है। तो ये फेज़ में हम देख सकते हैं ये फेज़ 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक चलती है। ओके, और उसके बाद डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं फाइनली। तो मैमिलियन सेल्स के बारे में अगर हम सोचेंगे, मोस्ट ऑफ द मैमिलियन सेल्स, तो उनमें सेल साइकिल 24 घंटे की रहती है, 24 आवर्स की। और 24 आवर्स में से इंटरफेज लेती है 23 आवर्स, 23 आवर्स इंटरफेज के होते हैं। और जो सिर्फ 1 से 2 घंटे जो है आखिरी के, वो माइटोसिस हो जाता है उसमें 2 घंटे में। मतलब सेल साइकिल में सेल ज़्यादातर टाइम कर कर इंटरफेज में रहती है, और बहुत ही कम टाइम, जो कि 5% टाइम है, ओके, 5% टाइम में माइटोसिस हो जाता है। तो 95% जो टाइम पीरियड है वो सेल इंटरफेज में रहती है, 5% टाइम पीरियड है उसमें माइटोसिस में रहती है। ईस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ईस्ट में जो सेल डिवीजन होता है वो होने के लिए सिर्फ 90 मिनट लगते हैं, 90 मिनट्स। मैमिलियन सेल में जो है वो टाइम 24 आवर्स का है, और ईस्ट में 90 मिनट्स में सेल डिवीजन हो जाता है। आगे जाके हम यहाँ पर देखने वाले हैं इंटरफेज। इंटरफेज में क्या क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट दिया है इंटरफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज है, मतलब दो तो फेज यहाँ पर दिखाई है, पहले इंटरफेज और दूसरी एम फेज। तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, हमने देखा है 23 आवर्स तक लास्ट होती है। इंटरफेस में सेल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, और इंटरफेस में सेल खुद का डिवीजन होने से पहले खुद को प्रिपेयर करती है, क्योंकि जब ये पैरेंट सेल से आगे जाके दो डॉटर सेल्स तैयार होने वाले हैं, तो दोनों भी डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीएनए भी जाना चाहिए इक्वल अमाउंट में, साइटोप्लाज्म भी बराबर जाना चाहिए, और पैरेंट सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सेल ऑर्गेनल्स भी बराबर मात्रा में डॉटर सेल्स में जाना चाहिए। इसलिए इंटरफेस में क्या हो रहा है कि सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है डिवाइड होने से पहले। ओके, और इसमें जो 3 फेजेस है अभी देखा इंटरफेस में, G1, S और G2। तो सबसे पहली फेज G1 फेज यहाँ पर हम देखेंगे। G1 फेज में हम देख सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी फर्स्ट गैप पीरियड। इसे हम फर्स्ट गैप पीरियड कहते हैं, या फिर फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कहते हैं, या फिर इसे हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं G1 फेज माइटोटिक फेज के बाद में होती है। जो दूसरी या तीसरी स्लाइड हमने देखी थी उसमें देखा हमने कि जो पैरेंट सेल है, पैरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल आखिरी में तैयार हो रहे हैं उससे पहले क्या क्या हो रहा है। पैरेंट सेल इंटरफेज में चली जाती है, इंटरफेज में चलने के बाद वो ग्रो होती है वहाँ पर, और ग्रो होने के बाद वो आगे जाके एम फेज में चली जाती है। ओके, एम फेज जो कि सेल डिवीजन की फेज़ है, और सेल डिवीजन की फेज़ के बाद वो दो डॉटर सेल्स तैयार करती है। मतलब अभी जो डॉटर सेल्स तैयार हुए हैं वो डॉटर सेल खुद पैरेंट सेल बोल के काम कर रही है, और इस डॉटर सेल में भी वही होने वाला है। ये डॉटर सेल इंटरफेज में चली जाएंगी, और इंटरफेज के बाद में वो माइटोटिक फेज में चली जाएंगी। तो ये सबसिक्वेंशियल इवेंट्स है जो सेल में होते जाते हैं, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया है कि माइटोटिक फेज ख़त्म होने के बाद जो इंटरफेज चालू हो रही है, तो इंटरफेज की पहली फेज़ कौन सी है, G1 फेज़ है। तो इसलिए इसे पोस्ट माइटोटिक फेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस होने के बाद की ये पहली फेज़ है, इसलिए पोस्ट माइटोटिक फेज़ कहते हैं। सेल डिवीजन होने के बाद इमिडिएटली ये जो G1 फेज़ है वो स्टार्ट होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑकर्स इमिडिएटली आफ्टर द सेल डिवीज़न। सो दिस इज़ द G1 फेज़। और G1 फेज़ में क्या होता है, RNA सिंथेसाइज करती है सेल, और सेल में प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है। इसके साथ साथ मेम्ब्रेन्स भी तैयार हो जाते हैं, मेम्ब्रेन का भी सिंथेसिस यहाँ पर सेल में होता है। अगली जो फेज़ है जिसे हम एस फेज़ कहते हैं, सो एस फेज़ दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज़, नाम में ही है सिंथेसिस फेज़। तो ये कुछ क्या सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस ऑफ DNA टेक्स प्लेस।
और दी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज टेक्स प्लेस। तो ये फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का ड्यूप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए खुद की तरह एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरे नंबर का कि एस फेज में डीएनए डबल हो तो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम ही रहते हैं। ओके, द डीएनए डबल्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एस फेज में पाया जाता है। उसके बाद एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स भी तैयार होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है सेल डिवीजन में। हम देख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो बहुत ही इलॉन्गेटेड डीएनए मटेरियल है, क्रोमैटिन थ्रेड है, वो इलॉन्गेटेड क्रोमैटिन थ्रेड को एक छोटे से पैकेट में रैप करने का काम हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं। सो डीएनए मटेरियल इज गेट रैप्ड अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन के बाजू में वो डीएनए का जो मटेरियल है वो रैप हो जाता है। ये हमने इससे पहले भी देखा है। और इसके बाद की जो फेज़ है वो फेज़ है G2 फेज़। तो G2 फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ इट इज़ द सेकेंड ग्रोथ फेज़। ओके, इसे हम सेकेंड ग्रोथ फेज़ कहते हैं। और दिस इज़ द फेज़ बिफोर द सेल डिवीज़न। तो इंटरफेज में की सबसे आखिरी वाली जो फेज़ है वो G2 फेज़ है। इंटरफेज में फर्स्ट फेज़ हमने देखी है G1 फेज़, दूसरी फेज़ है एस फेज़ और तीसरी फेज़ है G2 फेज़। तो ये इंटरफेज की आखिरी फेज़ है और दिस इज़ द फेज़ बिफोर द सेल डिवीज़न। मतलब G2 होने के बाद सीधा सेल डिवाइड होने वाली है, M फेज़ चालू होने वाला है। सो दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट दिस इज़ द फेज़ बिफोर द सेल डिवीज़न। तो ये फेज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन साइज। न्यूक्लियस के जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है आरएनए सिंथेसिस हुआ है, डीएनए डुप्लीकेशन हुआ है, जो पहले दो फेजेस हमने देखे हैं उसमें। तो यहाँ पर इस फेज़ में हम देख सकते हैं सेल अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गई है साइज़ में। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुई है, जो कि सेल डिवीज़न होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आरएनए और प्रोटीन का भी सिंथेसिस इस फेज़ में होता है, जो कुछ प्रोटीन्स आगे जाके लगने वाले हैं इस सेल डिवाइड होते समय, वो प्रोटीन भी यहाँ पर सिंथेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो पैरेंट सेंट्रियोल से दो डॉटर सेंट्रियोल्स तैयार हो चुके हैं, ये भी हमें इस फेज़ में देखने को। तो यहाँ पर दो डॉटर सेंट्रियोल्स भी तैयार हुए हैं। इस तरह से G2 फेज़ भी यहाँ पर ख़त्म होती है, और G2 फेज़ के साथ साथ इंटरफेज़ भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और इंटरफेज़ के बाद हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं माइटोटिक फेज़, या फिर जिसे हम M फेज़ कहते हैं, या फिर जिसे हम फेज़ ऑफ सेल डिवीज़न भी कहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।